हेलो फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों। हेल्थ गुरुजी चैनल के एक नए और फ्रेश एपिसोड वीडियो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के जो हमारे वीडियो है दोस्तों, वह है लाजवंती के ऊपर में है। जी हाँ, इसे लाजवंती के नाम से जानते हैं। हमारे वीडियो में देख लीजिए पौधे, और इसे कई जगह देख सकते हैं दोस्तों हमारे वीडियो के माध्यम से। इस प्रकार से इसके पौधे, इसे कई जगह छुई मुई के नाम से भी जानते हैं। इस छूने से तुरंत सिकुड़ जाता है, इसलिए इसका नाम लाजवंती पड़ा है। कई जगह इसे छुई मुई के नाम से जानते हैं। आपके यहाँ मित्रों इसे किस नाम से जाना जाता है हमें जरूर बताना। कई जगह इसे लज्जू पौधा भी बोलते हैं दोस्तों। इसके जड़ श्वास संबंधी बीमारी को दूर करने का काम करते हैं। अति सिर है, पथरी की बीमारी है, इसे दूर करने का काम करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, हमारे घरों के आसपास में पाए जाने वाले पेड़ पौधे आज भी उतने ज्यादा प्रभावी जितना पहले हुआ करते थे। आयुर्वेदिक दवा आज भी उतनी ज्यादा शक्तिशाली है जितना पहले हुआ करते थे। हम इन सब पेड़ पौधों के औषधीय गुणों को भूलते जा रहे हैं दोस्तों, इसलिए हमें कई प्रकार की बीमारी घेरती है। हमें डॉक्टरों को मोटी रकम देने की जरूरत नहीं है। हम घर पर ही रहने वाले कुछ आयुर्वेदिक दवा का प्रयोग करके, जैसे कि लाजवंती है समझ लीजिए, तो इन सब का प्रयोग करके हम बहुत सारे बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। लेकिन आजकल फैशन सी बन गए डॉक्टरों के पास जाना दोस्तों। आज की यह जानकारी आपको थोड़ी भी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए इसके फायदे के बारे में जानते हैं। लाजवंती के सेवन करने से ग्लैंड का सूजन दूर होता है। जी हाँ, ग्लैंड के जो सूजन है वह दूर होता है। ये खांसी को किस प्रकार से ठीक करता है, चले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो दोस्तों, बहुत से जो साधु संत हैं, महात्मा हैं ना, वो लोग अपना यश बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग कराते हैं। जी हाँ, लाजवंती जो होता है दोस्तों, इसके जड़ को गले में बांधने मात्र से कैसा भी खांसी हो, चाहे कुकुर खांसी हो, चाहे मौसम बदलाव के कारण होने वाले खांसी हो, चाहे किसी भी प्रकार के खांसी हो, ये चमत्कारिक तरीके से काम करते हैं। ये अंदरूनी तरीके से काम करते हैं। कैसा भी खांसी हो, ना इसका आपको जड़ निकाल करके रस पिलाना होता है, ना किसी भी प्रकार के कुछ करना होता है। प्राचीन समय में जो रहने वाले लोग होते थे वो इसके टोटके अपनाते थे। जी हाँ, लाजवंती के जड़ को खन करके ले आना है और इसके जड़ को गले में आपको बांध देना है। किसी भी प्रकार के जो खांसी होते हैं वह दूर हो जाते हैं। और जो लोग टीबी की बीमारी से परेशान हैं, उन भाइयों को बताना चाहूँगा, इसके जड़ गले में या इसके जो कहा जाए जड़ होते हैं, इसे ताबीज में भर करके गले में पहन लेना चाहिए। ऐसा बताया जाता है कि 1 से 2 महीने में इसके जो जड़ होते हैं ताबीज में भर करके पहनने से जो टीबी की बीमारी होते हैं वह दूर हो जाते हैं। ये गले में जो कफ होते हैं उसे भी निकालने का काम करते हैं। इसे आपको खाना नहीं होता, केवल आपको इसके जो जड़ होते हैं इसे इसके जो पूरे पेड़ सहित कहा जाए इसके पौधे सहित लपेट करके गले में पहनना होता है। खांसी को चमत्कारिक तरीके से ठीक करते हैं। आज भी जंगल में रहने वाले जो संत महात्मा होते हैं या समाज में रहने वाले संत महात्मा इसके जड़ को दे देते हैं और पहनने के लिए बोलते हैं। कई लोगों को पता नहीं होता, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बोलते हैं फलाना साधु ने ये जड़ी दिया पहनने के लिए, बोला हमारे खांसी ठीक हो गए। वो लोग दोस्तों लाजवंती यानी कि जो ये छुई मुई है ना, इसके जड़ को ही पहनने के लिए बोलते हैं। तो ये चमत्कारिक तरीके से कैसा भी खांसी हो उसे दूर कर सकते हैं। तो ये जानकारी आप अपने जो है दोस्तों दिमाग में नोट करके रख ले। किसी को खांसी होता है तो लाजवंती की सिर्फ जड़ पहना दीजिए, कैसा भी खांसी हो दूर हो जाते हैं। ना दवा लगेंगे, ना किसी भी प्रकार के आपको पैसा खर्चे में लगेंगे। इसके साथ ही ये अल्सर के घाव को भी ठीक करने का काम करते हैं। इसके जड़ को घिस करके लेप करने से जो अल्सर रहते हैं यानी कि कोड़ की बीमारी, पुराने घाव ठीक नहीं हो रहे हैं, वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। चोट लगने पर खून बढ़ रहे हैं तो इसके जड़ का पेस्ट लगाने से है ना, जो चोट लगने के कारण खून बह रहे हैं वो बंद हो जाते हैं। सांप के काटने पर भी इसका प्रयोग करते हैं। सांप और बिच्छू के विष को कम करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके जड़ का सेवन कराया जाता है सांप काटने पर, और इसके जड़ का पेस्ट बना करके जहां पे बिच्छू ने काटा हो अगर वहां पे लगा दिया जाए तो बिच्छू के जहर तुरंत उतर जाते हैं। प्रभावी तरीके से काम करते हैं, चमत्कारिक ढंग से काम करते हैं। किसी भी प्रकार के पेड़ पौधे को हमें बैन कचरे समझ करके नहीं फेंकना चाहिए दोस्तों। आप सभी को पता होगा कि लाजवंती के पौधे छूने से मुरझा जाते हैं, केवल आपको बस इतना ही पता हुआ होगा। लेकिन दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताया कि सांप बिच्छू के जहर को दूर करता है, आप के कैसा भी खांसी उसे या दूर करने का काम करते हैं। आशा करता हूँ कि दोस्तों मेरे द्वारा बताया गया जानकारी आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।